सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ओप्पो रेनो 11 5G का मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में साइड से बैक करने का सेटिंग कैसे करोगे? तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। तो फ्रेंड, आपको सबसे ऊपर में सिस्टम नेविगेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको दो मोबाइल का निशान देखने को मिल रहा है, एक में साइड से बैक करने का ऑप्शन दिखा रहा है और दूसरे में नीचे से। सिंपली आपको जो साइड से बैक करने का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर आपको इनेबल करना है, क्लिक करना है। और नीचे आपके पास एक पॉपअप आएगा, तो सिंपली आपको इसे टिक मार्क कर देना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइड से बैक करने वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। और फ्रेंड, नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, इसे भी आप इनेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से बैक जाने के लिए आपको साइड से बैक करना है। जैसे आप बैक कीजिएगा तो ये इस तरह से बैक हो जाएगा, आप देख सकते हो। और नीचे जो बैक वाला बटन है वो हाइड हो जाएगा, नीचे वाला बटन हाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।